तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई भैया जी ब्लॉग पे। तो आज है मेरा डे 3 एच एन हार्ट 95 चैलेंज का। तो टाइम हो गया भाई मेरे टी का, तो टी मेरी आ चुकी है, चलते हैं पहले टी को फिनिश करते हैं। बज रहा है सुबह का 7। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ भाई, यहाँ पे आपको सुबह उठना ही पड़ेगा, 7 बजे आपको उठ के स्टार्ट करना है चीज़ें। ऐसा नहीं कि 12 बजे तक सो रहे हैं और सब कुछ आप उस तरह से फॉलो करेंगे। तो चलिए टी पिया जाएगा। तो ये रहा मेरा टी, बढ़िया टी से भाई अपने दिन की शुरुआत। और आज देखते हैं कि क्या होता है, वेट में कितना फर्क आता है, आपको अभी वेट दिखाते हैं। चलिए डे 3, आज है वेट 101.25। तो भाई अब हो गया है समय हमारा शेक का। तो ये है हमारा फ्यूल लास्ट के लिए जो हम लोग डेली लेते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगा जब मेरा एक्सपीरियंस आप फील कर पाओगे कि कितना मैंने वेट रिड्यूस कर दिया और ये सब। तो बज रहा है भाई भी टाइम 11 और ले लिया जाएगा अपना शेक। ये देखिए ये है मेरा शेक। और इसके बाद फिर हमारा टाइम आ जाएगा भाई खाने का, टाइम आने वाला है। तो खाने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, पहले तो सलाद खाना है बहुत सारा, उसके बाद आधे घंटे बाद ही खाना हमको खाना स्टार्ट करना है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे सलाद पे। और अपना तब तक मैं फिनिश कर लेता हूँ ये क्या बोलते हैं शेक को। चलिए बाय बाय। तो ये रहा भाई हम लोगों का आज का सलाद, अब चलेंगे सलाद खाएंगे। लगभग हो गया है समय 12 बज गया है, तो पहले सलाद खाएंगे खाना से आधा घंटा पहले, और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे खाने पे। लंच तो हो गया है भाई, लंच का टाइम। आइए आपको दिखाते हैं फटाफट लंच अपना आज का, जबरदस्त है स्पेशल लंच। ये देखिए भाई मस्त गोभी टमाटर मटर की सब्जी है, राइस है, और यहाँ पे आलू भरा हुआ पूड़ी है, और ये है पम्पकिन का सब्जी, कोहड़ा का सब्जी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको भाई, जो यहाँ पे जो भी तेल हम लोग यूज़ हो रहा है इस खाने में, जो भी मेरे खाने में तेल है, वो भाई किसी तरह का रिफाइंड नहीं है, आपको कभी भी रिफाइंड यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे भाई आप नेचुरल वाला कोई भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मूँगफली का, या कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो ये वाले हैं वेज वाले ऑयल्स। तो यहाँ पर कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं है। तो ये है आपका भाई देखिए मस्त वाला लंच। तो भाई वेट लॉस किया जाएगा मस्त लंच के साथ। तो भाई ये है इस चीज़ का खास बात जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये है भाई अपना एच एन हार्ट 95 चैलेंज भाई, यहाँ पे आप एकदम मस्त खा पी के वेट बढ़िया वाला लॉस करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको इवनिंग में। टाइम हो गया भाई साहब अपना 5 किलोमीटर्स का आउटडोर रनिंग के लिए निकल दिए हैं। बाहर देखो कितना मस्त मौसम है, बाहर घूमने का भाई एक मज़ा अलग होता है। फटाफट कंप्लीट करते हैं, 9 बजे स्टार्ट किया है, अराउंड 1.5 घंटा का रहेगा, चलना बीच बीच में दौड़ना। चलिए आगे चलते हैं, आपको देते हैं कुछ टिप्स। देखिए लोग मस्त घूम रहे हैं। तो देखिए भाई साहब किसी भी चीज़ को भाई अचीव करने के लिए आप कंसिस्टेंसी की होता है, चाहे वो कोई भी काम हो, जॉब हो, या इस तरह की चीज़ें जो आप अचीव करना चाहते हो, वेट लॉस या वेट गेन या बॉडी बनाना या कुछ भी। तो आपको भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, कि ऐसी नहीं कोई फर्जी का, ठीक है। यहाँ पे लोग फिर भी मज़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी तो भाई अगर आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बाकी कुछ भी करने के लिए कंसिस्टेंसी ही की है। तो तीसरा दिन है, देखते हैं कल क्या डिफरेंस आता है, कल का भी डिफरेंस इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो होप कि एक अच्छा रिजल्ट मिले। देखिए अब यहाँ से शुरू होगी ढलान, अब वो नीचे से पूरा दौड़ के आएंगे ऊपर तक। तो 1 घंटा हो गया भाई साहब, तो आज का दिन हो गया भाई ऑलमोस्ट ख़त्म। मेरा लास्ट एक्टिविटी यही था, और अब सीधा जाएंगे घर को। 1 घंटा हो गया,
अभी आधा घंटा लगभग और लगेगा, डेढ़ घंटा हो जाता है वो लगभग। तो हो मज़ा आ गया। अभी देखिए रास्ता बहुत लंबा है, सीधा जाना है, अभी आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा ही होगा। तो आई होप कि भाई आपको थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा हो। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे कल। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू। और ब्लॉग भी आएगा बहुत जल्द।